आप देख रहे हैं यू फॉर ट्वीट करके रिकॉर्ड कर ले, अभी यही है। हाँ हाँ, आप देख रहे हैं यू फॉर यू, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी तस्वीरें में साफ दिखाया था, ये अभी के अपडेट हैं। ये टैंक यहाँ पे आ चुके हैं, आर्मी के टैंक, ये फाइनल असॉल्ट की तैयारी की जा रही है। सुबह से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है और सुबह 5 बजे यहाँ पे सुनजुआ मिलिट्री स्टेशन पे ये ऑपरेशन शुरू हो गया था और 16 घंटे से ज्यादा हो गए इस ऑपरेशन को चलते हुए। और इसमें अभी तक जी जो खबर है, 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन अंदर चल रहा है, जिसमें आर्मी के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें एक जेसीओ और एक एमसीओ, दोनों ही जम्मू के रहने वाले हैं। और इसमें 9 और लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिसमें से 5 औरतें और बच्चे हैं और 2 क्रिटिकल इंजर्ड हैं। ये खबर आई थी कुछ देर पहले, आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आया था बाहर। और अभी आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये टैंक, आर्मी टैंक यहाँ आ पहुंचे हैं, फाइनल असॉल्ट की तैयारी, इसको वाइंड अप करने की तैयारी, एक आखिरी हमला करके जो भी मिलिटेंट जिनकी शक है कि वो अंदर हो सकते हैं, उनको मारने की तैयारी। इस टैंक में आप साफ देख सकते हैं आर्मी की तरफ से एक फाइनल असॉल्ट और इस ऑपरेशन को खत्म करने की तैयारी। ये टैंक अक्सर यूज किए जाते हैं जिस जगह पे मिलिटेंट्स मोर्चा संभाल लेते हैं, बिल्डिंग में घुस जाते हैं और उनको निकालना वहां से मुश्किल रहता है, तो इस ये आखिरी असॉल्ट किया जाता है कि उस बिल्डिंग को ही ब्रस्ट कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए, तो उसी की तैयारी ये चल रही है। और ये टैंक आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये टैंक अंदर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आर्मी के जवान इस पे, आप देख सकते हैं कि आर्मी के जवान इस पे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं फाइनल असॉल्ट की तैयारी की जा रही है। और अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि आर्मी ने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है और आप देख सकते हैं कि ये फाइनल असॉल्ट, ये यहाँ अंदर जाके जिस भी बिल्डिंग में छुपे होने की आशंका होगी उस बिल्डिंग को ही उड़ा दिया जाएगा। और ये आर्मी के टैंक 16 घंटे बाद, ये ऑपरेशन सुबह 5 बजे शुरू हुआ था जो कि अभी तक चल रहा है और जिसमें अभी 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है, 2 आर्मी के जवान, इसमें एक जेसीओ और एक एमसीओ शहीद हो गए हैं और 9 और लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं, जिसमें 5 औरतें और बच्चे हैं और 2 क्रिटिकल इंजर्ड हैं। और उसके बाद 16 घंटे के बाद ये आर्मी के टैंक यहाँ पहुंचे और अंदर जा रहे हैं कहीं ना कहीं फाइनल असॉल्ट की तैयारी। ये टैंक उस वक्त यूज किए जाते हैं जब किसी बिल्डिंग में मिलिटेंट्स होने की आशंका होती है और चांस नहीं लिया जाता अंदर जाने का, वो कितनी तादाद में है, उनके पास कितना हथियार है इसका शक रहता है, तो ये टैंक यूज किए जाते हैं उस बिल्डिंग को उड़ाने के लिए, जो आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। ये फाइनल असॉल्ट की तैयारी है और आर्मी की तरफ से कहीं ना कहीं वक्त आ गया है इस ऑपरेशन को खत्म करने का, कहीं ना कहीं वक्त आ गया है सभी मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने का। और अंदर सर्च ऑपरेशन तो जैसे आर्मी ने बताया कि पहले ही चल रहा था, अब इस तरह की जो टैंक यहां आ पहुंचे हैं कहीं ना कहीं लग रहा है कि फाइनल असॉल्ट करके इसको खत्म कर दिया जाएगा। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, यू फॉर यू के लिए।